Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. John's School and College. Today I am here to explain the remaining chapter of 3. Of science, class 4. The chapter name is Adaptation in Animals. Okay? We have already discussed about the adaptation to the habitat. Then adaptation for the food. But today we discuss about the adaptation for protection. ठीक है? आज हम adaptation for protection मतलब क्या? Animals अपने आप को protect करने के लिए उनके अंदर ऐसी कौन-कौन सी habitat होता है जो उनको दूसरे animals से या कौन-कौन सी adaptation होते हैं जो उनको अपने आप को दूसरे animals से या उनकी enemies से उन्हें protect करता है। उनकी body features क्या है? या नेचुरल सराउंडिंग में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे वो अपने आप को बड़े आराम से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन फॉर फूड में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड के लिए एनिमल्स या एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की नीड होती है और वो उस फूड के लिए एक जगह से दूसरे जगह के लिए मूव भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। तो एवरी एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर और plants for their food or plant product. तो first I have given one picture कि यहाँ पे एक picture है food chain का picture है, इसको आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर कैसे हर कोई depend होता है अपनी food के लिए या food पाने के लिए। तो first यहाँ पे क्या है? grass means plant, grass या plants, plants और grass को कौन खा रहा है? यहाँ पे ग्रासहॉपर, है ना? और ग्रासहॉपर को कौन अपने फूड की तरह इस्तेमाल करता है या अपने सर्वाइव के लिए उसे खाने की जरूरत होती है? फ्रॉग। मतलब ग्रासहॉपर डिपेंड ऑन ग्रास टू सर्वाइव, देन फ्रॉग डिपेंड ऑन ग्रासहॉपर टू सर्वाइव टू गेट देयर फूड, देन हियर इज स्नेक, स्नेक डिपेंड ऑन फ्रॉग टू गेट देयर फूड, एंड लास्ट वन हियर इज ईगल, ईगल डिपेंड ऑन स्नेक टू गेट देयर फूड। मतलब यहाँ पे हर एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है टू गेट देयर फूड टू सर्वाइव, है ना? तो अगर एक दूसरे के ऊपर हर कोई डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे ईगल जिंदा रहने के लिए किसको मार रहा है? स्नेक को मार्केट अपने फूड की तरफ से कमा कर रहा है। स्नेक किसको खा रहा है? फ्रॉग को। स्नेक फ्रॉग को मार के खाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, वो जिंदा रह सके। यहाँ पर फ्रॉग किसको खा रहा है? ग्रास हॉपर, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट को खा रहा है ताकि वो सर्वाइव कर सके। और ग्रास हॉपर क्या खा के जिंदा रहता है? ग्रास या प्लांट्स, ताकि वो जिंदा रह सके, वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसी तरह हर कोई एनिमल अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो फूड के ऊपर डिपेंड करता है वो फूड वो चाहे प्लांट्स हो, प्लांट प्रोडक्ट से हो या एनिमल्स को मार के ही खाते हैं। तभी फूड हैबिट में हमने 5 कैटेगरी ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, कैवेजियर एंड पैरासाइट्स, है ना? तो आज हम अगर एक दूसरे को वो सर्वाइव करने के लिए मारना जरूरी है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे को वो लोग प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोशिश करेंगे। जैसे अगर इधर स्नेक को मारने की कोशिश करें तो स्नेक भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा, उससे बचाव के लिए अपने आप से प्रयास करेगा। फिर स्नेक से फ्रॉग को बचना है तो फ्रॉग अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई उपाय अपना ढूंढता है। फ्रॉग किसको खा रहा है? ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर के पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उसको प्रोटेक्ट करता है दूसरे एनिमल से बचाने के लिए। तो इसी तरह एक दूसरे को बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास बॉडी फीचर्स होते हैं। तो आज हम उसको पढ़ने के हाउ एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स। डियर एंड गैजेट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। डियर एंड गैजेट्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेग होता है
अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिए, ठीक है। देन जेब्रा, टाइगर, लियोपार्ड एंड डियर हैव स्ट्रेस और स्पॉट्स इन देयर बॉडी टू मर्ज देम विद देयर नेचुरल सराउंडिंग। जेब्रा हो गया, टाइगर, जेब्रा आपने देखा है, टाइगर भी देखा है, लियोपार्ड भी देखा है, डियर भी देखा है, उनके बॉडी में स्ट्रिप होते हैं या कुछ स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वो अपने आप को किसी भी सराउंडिंग, अपने नेचुरल सराउंडिंग में बड़े आराम से छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, जो कि उनके मतलब डैमेज से उनको प्रोटेक्ट मिलता है, ठीक है। राइट, व्हाइट कलर ऑफ द पोलर बियर हेल्प्स टू मर्ज विद द स्नो सराउंडिंग। व्हाइट कलर ऑफ स्नो आपको इसी के पहले पढ़ाया गया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ठंडा होता है, बहुत कोल्ड पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एनिमल्स दिखाई देते हैं कौन कौन से एनिमल थे, नॉर्थ पोल में कौन से एनिमल थे, साउथ पोल में कौन एनिमल्स थे, हमने बताया था, याद होगा आपको। नॉर्थ पोल में ज़्यादातर कौन से दिखाई देते हैं, पोलर बियर। तो पोलर बियर के जो व्हाइट कलर होता है उसकी बॉडी की, जो व्हाइट कलर होता है वो उसको अपने स्नो सराउंडिंग मतलब जहाँ पे बहुत ठंड होता है वहाँ हमेशा बर्फ गिरता है, तो चारों तरफ सराउंडिंग में बर्फ ही छाया रहता है, तो उस बर्फीले एरिया में अपनी व्हाइट कलर की वजह से वो बड़े आराम से किसी ना किसी जगह पर छिपा लेते हैं, अपने दुश्मनों से अपनी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। झुंड में जाते हैं,
एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए उनकी बॉडी में एक हार्ड कवर होता है, हार्ड सेल होती है, उनकी जो बॉडी के ऊपर एक कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है, जिससे क्या होता है वो अपने आप को उसके अंदर हाइड कर लेते हैं। जब कोई खतरा के आहार उन्हें मिलता है तो वो चुपचाप उसके अंदर छुप जाते हैं, घुस जाते हैं। फिर जैसे ही उनको लगता है कि खतरे से उनको कहीं आसपास कोई खतरा नहीं है, हट गया है, तो धीरे धीरे फिर वो बाहर निकलने लगते हैं, मतलब उनकी बॉडी की पोर्शन बाहर निकलने लगता है। ठीक है, इस तरह वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। देन साइबेरियन क्रेन माइग्रेट एवरी ईयर फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया। साइबेरियन क्रेन क्या है ये भी मैंने बताया था, माइग्रेशन में बताया गया था। माइग्रेशन क्या है मैंने यहाँ फिर भी बता दिया है एक बार। सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट द सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। ओके, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। साल के कुछ ही महीने क्या होते हैं, बाहर एक जगह से दूसरी जगह कुछ एनिमल्स मूव करते हैं। ठीक है, मिलियन मिलियन दूर ये लोग ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पे मौसम के हिसाब से सीजन जब चेंज होता है, कहीं पे ठंड ज़्यादा है तो कहीं पे ठंड कम होता है, तो ये जब ठंडी किसी जगह पे ज़्यादा होता है तो वहाँ से अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए ज़्यादातर विंटर सीजन में साइबेरियन क्रेन एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, ताकि वहाँ ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और अपने ब्रीडिंग कर सके और अपने यंग वंस का ख्याल रख सके। फिर जब वहाँ के मौसम धीरे धीरे चेंज होने लगता है, फिर वहाँ से अपने सारे झुंड के साथ निकल जाते हैं। तो दैट इज फॉर माइग्रेशन। ठीक है, तो ये साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से इंडिया तक मूव करते हैं, फिर विंटर जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगता है, फिर इंडिया से साइबेरियन मूव कर जाते हैं, मतलब लौट जाते हैं। देन बियर लिजर्ड एंड फ्रॉग स्लीप ड्यूरिंग विंटर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड इन द विंटर। बियर लिजर्ड एंड फ्रॉग वो क्या करते हैं, विंटर सीजन में जो बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो उस ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत दिन तक सो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इसको क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन। यहाँ पर भी वो अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन डेजर्ट ड्रैग क्रोकोडाइल एंड लव ही स्लिप ड्यूरिंग समर टू एस्केप द हीट। और डेजर्ट ड्रैग क्रोकोडाइल ये सब क्या करते हैं, ये ज़्यादातर गर्मियों के सीजन में गर्मी से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हाइड कर जाते हैं या बहुत दिन तक सो जाते हैं, कुछ मंथ तक ये भी सो जाते हैं। तो गर्मियों के सीजन में जो एनिमल्स सो जाते हैं कुछ मंथ के लिए उन्हें कहा जाता है एस्टिवेशन, और विंटर सीजन में जो एनिमल स्लिप करते हैं सो जाते हैं उनको कहा जाता है हाइबरनेशन। ये दोनों ही सीजन के जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। तो दीज आर द एडेप्टेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स। नाउ द चैप्टर हैव एक्सप्लेनेशन अबाउट फिनिश्ड, देन वी हैव स्टार्टेड द नोटबुक वर्क। ओके, ऑल ऑफ यू।